हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल प्रजापति। फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे हैं, यह BCH कंपनी का स्टार्टर है जो कि 3 फेस है। यह वोल्ट मीटर है, यह एम्पियर मीटर है, यह मोटर ऑन इंडिकेटर है, यह मोटर ट्रिप इंडिकेटर है। यह रोटरी स्विच फ्रेंड्स वोल्टेज को देखने के लिए होती है कि कौन से फेज में कितना वोल्ट है। यह रोटरी स्विच मैनुअल और ऑटो मोड के लिए होती है। मैनुअल मोड करने पर फ्रेंड्स स्टार्टर को हमें ऑन करना होगा, ऑटो मोड पर फ्रेंड्स स्टार्टर को ऑन नहीं करना होता, यह ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे ऑटो मोड पर सेलेक्ट कर दिया है और मेन सप्लाई इसमें लगा दी है। यह वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, यह बिल्कुल ही डेड हो चुका है। आइए फ्रेंड्स इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट है। मैंने इसमें पुनः से सप्लाई लगा दी है फ्रेंड्स। यह देखिए, यहाँ पर सप्लाई दिख रहा है। और फ्रेंड्स इसके मीटर के पिन पर सप्लाई नहीं आ रही है। रोटरी स्विच से हम सिलेक्ट कर देखते हैं कि कौन से फेज में कौन सप्लाई है या नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे वर्कशॉप पर न्यूट्रल ही फेस है, न्यूट्रल फेस है, 3 फेस नहीं है। यह देखिए, मीटर के पिन पर सप्लाई फ्रेंड्स है। यह देखिए, फिर भी यह वर्क नहीं कर रहा है। यह देखिए फ्रेंड्स, मीटर वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि मीटर इसका खराब हो चुका है। यह देखिए फ्रेंड्स, एक बार पुनः से इस प्रकार से टेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यह देखिए, सप्लाई आने पर यह ऑन हो जाना चाहिए, अब भी ऑन नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं इसमें और कौन से पार्ट्स खराब हो गए हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, पहले कॉन्टैक्टर कॉइल के पिन पर सप्लाई चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सप्लाई फ्रेंड्स आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर सप्लाई ऑन आ रही है, यह कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि फ्रेंड्स इसके कॉन्टैक्टर कॉइल भी खराब हो चुकी है। आइए फ्रेंड्स, इसके कॉन्टैक्टर कॉइल को मैं इस प्रकार से निकालता हूँ। यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं 2, इस प्रकार से मैं स्क्रू को निकाल लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर को इस प्रकार से उल्टा मैं कर लेता हूं। यह देखिए, इस प्रकार से। और फ्रेंड्स यह देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 स्क्रू इसमें लगे हैं। इस स्क्रू को इस तरह से मैं निकाल लेता हूं, 4 स्क्रू को। आइए फ्रेंड्स, इसके स्क्रू को
निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यह इस तरह से लगा था, ये देखिए। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके कोर को इस प्रकार से मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कॉइल जलने की वजह से कोर में चिपक गई है। और यह दो स्प्रिंग इसमें लगी हुई होती है, ये देखिए इस प्रकार से। ये देखिए, और फ्रेंड्स ये देखिए इसे मैं अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ। ये देखिए, कॉइल जलने की वजह से इसमें इस प्रकार से उसके धुएं वजह से यहाँ पर जम जाते हैं। और इस प्रकार से हमें चेक कर लेना है कि यह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा अच्छी तरह से, और इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है। आइए इसे साफ कर कर दिखाता हूँ। मैंने कोर को साफ कर लिया है, इस प्रकार से स्प्रिंग को भी मैं साफ कर लेता हूँ, दोनों स्प्रिंग को। ये देखिए, और वापस लगा देता हूँ। यह कॉन्टैक्टर कॉइल है फ्रेंड्स। यह इस प्रकार से लगी हुई है, इस प्रकार से, और इसी प्रकार से वापस मैं लगाता हूँ जिस प्रकार से लगी है। एक दो स्क्रू होते हैं फ्रेंड्स, इसे इस प्रकार से बारी बारी से चेंज कर लेना है, एक साथ फ्रेंड्स नहीं खोलना है, एक साथ फ्रेंड्स निकालने से वायर उल्टी पलटी उल्टा सीधा हो सकता है, इस वजह से एक एक स्क्रू को ही वायर को ही चेंज करना है। इस प्रकार से अच्छे से इसे कस लेना है। और इस प्रकार से दूसरे वायर को भी निकाल लेना है। और इस प्रकार से फिट कर देना है। ये देखिए, अच्छे से फ्रेंड्स, यह स्क्रू ढीला ना हो, अच्छी तरह से टाइट रहे, स्पार्किंग ना करे, और इसे इस प्रकार से देखिए। इसके बाद फ्रेंड्स, स्कोर को मैं इस प्रकार से निकाल लेता हूँ। ये देखिए, यह जलने की वजह से फ्रेंड्स इसमें चिपक गया है, इस प्रकार से पेचकस से चोट देते हुए, यह देखिए मैंने इसे निकाल लिया। इसके बाद फ्रेंड्स इस कोर को भी मैं अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ।
इस प्रकार से ये देखिए, आइए फ्रेंड्स इसे साफ कर कर दिखाते हैं। ये देखिए मैंने इसे साफ कर लिया है और वापस से इस वार्सल पत्ती को फिट कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स इसके कॉइल कनेक्टर कॉइल को इस प्रकार से मैं फिट कर लेता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से, फ्रेंड्स इसके स्प्रिंग को विशेष ही ध्यान से देखना होता है कि यह सही अच्छे तरीके से फिट है या नहीं है। और इसे इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से फिट करना होता है। ये देखिए इस प्रकार से, आइए फ्रेंड्स इसे फिट कर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने फिट कर लिया है और वापस जिस प्रकार से मैंने इसे खोला था उसी प्रकार से इसे वापस चारों स्क्रू को लगा लेता हूँ। प्रकार से आइए फ्रेंड्स इसे स्क्रू को लगाकर दिखाता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है और वापस से कंटेक्टर को सीधा कर लेता हूं। ये देखिए और फ्रेंड्स यह जिस प्रकार से फिट था उसी प्रकार से पुनः मैं फिट कर लेता हूं। आइए फ्रेंड्स इसे चेक कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं या वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह वर्क करने लगा फ्रेंड्स। यह देखिए मैंने इसके मीटर को भी चेंज कर लिया है, यह मीटर वोल्टेज दिख रहा है, यह ऑटो मोड है फ्रेंड्स। देखिए इस मोड पर करने से फ्रेंड्स स्टार्टर ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है और इस मोड पर मैनुअल मोड करने पर फ्रेंड्स यह ऑन नहीं होता या ऑन करने पर ऑन होता है। जैसे कि देख पा रहे हैं यह मैनुअल मोड वाले स्विच है, यह मीटर देखने के लिए स्विच है, यह वोल्ट मीटर है, यह एम्पियर मीटर है, यह कॉन्टेक्टर है फ्रेंड्स और यह टाइमर है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख चुके हैं यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और जहां कहीं ना समझ में आए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह देखिए फ्रेंड्स, यह देखिए मैं इंडिकेटर जलने लगा, यह ऑफ हो गया।
ऑन